हेलो बच्चों, आज का हमारा सवाल है एक स्प्रिंग गुटका निकाय एक चिकनी क्षैतिज सतह पर रखा है। स्प्रिंग का मुक्त सिरा दाईं ओर नियत चाल b बराबर 2 मीटर प्रति सेकंड से खींचा जाता है। t बराबर 0 सेकंड पर स्प्रिंग नियतांक k बराबर 100 न्यूटन प्रति सेंटीमीटर की स्प्रिंग बिना खिंची है एवं गुटके की चाल 1 मीटर प्रति सेकंड बाईं ओर है। स्प्रिंग का अधिकतम विस्तार है। अब देखिए, हमारा बताया गया है कि स्प्रिंग का एक सिरा किस चाल से खींचा जा रहा है, 2 मीटर प्रति सेकंड से खींचा जा रहा है, और ब्लॉक बाईं ओर 1 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा है। तो अगर हम ब्लॉक और स्प्रिंग को बात करें तो ये पॉइंट अगर हम बी माने और हमारा ये ब्लॉक है, ब्लॉक को अगर हम ए मानते हैं तो ब्लॉक ए की बी के सापेक्ष चाल कितनी होगी। बी इधर जा रहा है 2 मीटर प्रति सेकंड से और ए इधर जा रहा है 1 मीटर प्रति सेकंड से, तो ये हो जाएगी 1 माइनस माइनस का 2, तो बी ए बी कितना आ जाएगा आपका 3 मीटर प्रति सेकंड। तो ब्लॉक बी पार्ट के सापेक्ष 3 मीटर प्रति सेकंड से बाईं ओर जा रहा है। ठीक है, अब देखिए हमारा ब्लॉक की बात करें, ब्लॉक अभी इस बी पॉइंट के सापेक्ष 3 मीटर प्रति सेकंड से जा रहा है, और स्प्रिंग में अधिकतम विस्तार कब होगा, जब ब्लॉक स्प्रिंग के सापेक्ष किस में आ जाएगा, सापेक्ष विराम में आ जाएगा। तो स्प्रिंग का ब्लॉक का स्प्रिंग के सापेक्ष अंतिम वेग अगर v2 माने वो कितना होगा, शून्य होगा, और v1 कितना है, 3 मीटर प्रति सेकंड है। अब हमें पता है, देखिए हमारा स्प्रिंग फोर्स किधर लग रहा होगा, इस दिशा में, Fs अगर माने स्प्रिंग फोर्स को, और स्प्रिंग का खिंचाव होगा इस दिशा में। मान लीजिए अधिकतम विस्तार स्प्रिंग का कितना है, x है, तो हमें पता है कि कार्य ऊर्जा थ्योरम के अनुसार, कार्य ऊर्जा थ्योरम के अनुसार सभी बलों द्वारा किया गया कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। अब यहाँ पे कौन सा बल कार्य कर रहा है, केवल स्प्रिंग फोर्स कार्य कर रहा है, स्प्रिंग फोर्स, और एक्स आपका क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है स्प्रिंग में, तो स्प्रिंग फोर्स दिया गया, कुल कार्य कितना हो जाएगा, माइनस का 1/2 kx² बराबर कितना हो जाएगा। अब देखिए ब्लॉक का पहले गतिज ऊर्जा स्प्रिंग के सापेक्ष कितनी थी, 1/2 m v1² और अंतिम कितनी हो जाएगी, शून्य, तो शून्य माइनस 1/2 m v1² अब देखिए माइनस से माइनस कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, तो यहां से kx² का मान कितना आ गया, m v1² के बराबर आ गया। तो यहां से x का मान कितना आएगा, अगर हम रूट लेते हैं तो m/k v1 यही होगा। अब देखिए मान रख सकते हैं हम इस इक्वेशन को, एक नंबर मान सकते हैं। अब मान रखना है हमें m का मान कितना दे रखा है, हमें 4 kg, k का मान हमें दिया है 100 न्यूटन प्रति सेंटीमीटर, अगर इसको हम मीटर में बदलेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, हो जाएगा 100/100 न्यूटन प्रति मीटर हो जाएगा, यही होगा। तो x का मान हमारा कितना हो जाएगा, x का मान होगा 4/, हमारा इसका मान कितना है, 100/100, और v का मान हमारा कितना है, 3, 100 से 100 कट गया,
चार का वर्गमूल लेंगे तो 2 आएगा, तो 2 गुणा 3, एक्स का मान हमारा कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? दूसरा ऑप्शन सही होगा। आशा है आपको सॉल्यूशन पसंद आया होगा। धन्यवाद।